हेलो गाइस, द प्लेस ऑफ लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम प्रोजेक्ट लेके आए, मेरा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि जीमेल एसएमटी सर्वर सेटिंग, यानी कि आपको ईमेल पे जो है, आपने जब जीमेल को किसी को सेंड करते उसके पहले आपको होस्टिंग यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं उसका प्रोजेक्ट लेके। एज फॉर एग्जाम्पल पे देखा जाए, तुम्हारा पुराना प्रोजेक्ट जैसे कि ये है, जिसमें हमने यहाँ देखे ईमेल के कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हैं, जिसमें हमने क्या दिए हैं, यूजर नेम, ये यूजर नेम में मेरा नाम हो गया और उसका पासवर्ड। ओके, उसका पासवर्ड हमने कैसे जनरेट किया है तो उसके प्रोजेक्ट को लेके आए। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि हमारा जो कोई ईमेल से है, जो टू स्टेप वेरिफिकेशन का टिक करने के बाद हमारा जो पासवर्ड जनरेट होता है यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो बनाए। ओके, तो बिना रेट्स किए अब प्रोग्रामिंग की ओर चलते हैं। ओके, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो हमारा आज जो प्रोजेक्ट है कि जीमेल एसएमटी सर्वर सेटिंग, यानी कि सर्वर का कैसे सेटिंग किया जाता है एसएमटी का, तो उसका प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ओके, तो हमारा एक ईमेल यहाँ पे देखिए पहले से ओपन है। आपका जो भी ईमेल होगा उसका आपको पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, एन पे जाना है। सपोज एन पे जाने के बाद आपको जो आपका होगा वहां पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है गाइज, कि यहाँ पे देखिए मेरा ये ईमेल आईडी, तो इसको कॉपी करके आपको क्या करना है वहां पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आपको जो पासवर्ड जनरेट करना है, जाना है मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैनेज योर गूगल अकाउंट को आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आपको क्या करना है, ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पे सेक्रेटरी पे क्या करना है, क्लिक करना है। सेक्रेटरी पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे नीचे में आपको चेक करना है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका ऑन है कि ऑफ। अगर आपका पहले से ऑन है तो इसे कुछ नहीं करना है, अगर आपका ऑफ होगा तो सबसे पहले इसको ऑन करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको गेट स्टेम पे करना है। इसके बाद आपका जो ईमेल का पासवर्ड होगा वो आपका पासवर्ड मांगेगा। इनकेस अगर आपको पासवर्ड याद नहीं होगा तो नीचे में यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, वो आप फॉरगेट कर दीजिएगा। तो हमें पासवर्ड याद है तो यहाँ पे हम पासवर्ड देते हैं। ओके, पासवर्ड देने के बाद आपको क्या करना है गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे, पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑफ है। ओके, तो आपको ऑन करना है। जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन मेरा यहाँ पे ऑन हो गया। ओके, अब एक बार यहाँ पे वेट करना है। ओके, वेट करके आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है या ऑफ है। ओके, इतना का यहाँ पे देखिए मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या ऑन हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे आपको सर्च करना है एप पासवर्ड। ओके, एप क्या करना है, पासवर्ड आपको क्या सर्च करना है, एप पासवर्ड। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, नाम दे के जैसे ही आप क्रिएट पे देते हैं, ओके, आप जैसे ही क्रिएट पे करते हैं यहाँ पे देखिए आपका पासवर्ड ऑलरेडी जनरेट हो गया। तो ये पासवर्ड आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पे देखिए आपने जो मेल पे यहाँ पे सेटिंग कीजिएगा वो हमारा ये पासवर्ड है। ईमेल आईडी आपने जो ईमेल आईडी से ये जनरेट किए, मेरा देखिए ये मेरा ईमेल आईडी से जनरेट हुआ है जो अभी हमने ईमेल आईडी को किए, ये मेरा पासवर्ड होगा। इसको आपको क्या करना है गाइज, यहाँ से कॉपी करके, इसको कॉपी करके देन आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट में आपको इसको यूज करना है। तो मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था गाइज, उसमें क्या था कि जीमेल एसएमटी सर्वर सेटिंग, यानी कि सर्वर का कैसे सेटिंग किया जाता है। तो आई होप इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनकेस अगर आपको कोई भी इशू हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे आप डीएम कीजिए, आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए।